दोस्तों मोहम्मद आमिर का दर्द भरा पैगाम पूरी कौम के सामने आया है। जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये मैच हार गया, मोहम्मद आमिर ने एक पैगाम दिया है पूरे कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली हसन अली के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं एक बड़े मैच का प्लेयर था, मैं ऐसे मैच का प्लेयर था जैसे सेमीफाइनल फाइनल पूरी टूर्नामेंट में आप मेहनत करते, लेकिन ये मैच मैं आपके लिए जितवाता। अगर आखिरी ओवर ये ओवर मुझे देते, हसन अली की जगह मुझे टीम में खेलते, तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान फाइनल में होता और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने और क्या कहा है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियो में देखिए। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने हसन अली की घटिया तरीन परफॉर्मेंस पर एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि हसन अली जैसा बेगैरत बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हसन अली को मॉडलिंग और फैशन के बगैर कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने मजीद कहा कि ऐसे खिलाड़ी को पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी बीवी रहती है, उनके साथ वो आराम से रह सकते हैं, वहाँ पर खूब फैशन भी कर सकते हैं। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैंने बौंक रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे अपनी टीम में ले लो, लेकिन पाकिस्तान ने मुझे गाज भी तक ना डाला और मुझे इग्नोर कर दिया। आज अगर मैं टीम में होता तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप जितवाता। ये मोहम्मद आमिर का बयान था। आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।